नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इस वक्त की खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर बीजेपी के नव निर्वाचित सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। निरहुआ ने हाल ही में हुए आजमगढ़ उपचुनाव में सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हराकर जीत दर्ज की है। सपा को हराने के बाद निरहुआ ने अखिलेश को बड़ा भाई कहकर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी सांसद निरहुआ ने अपने फेसबुक अकाउंट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने अखिलेश के साथ अपनी एक फोटो शेयर की, जिसमें वो अखिलेश यादव के साथ सेल्फी लेते भी नजर आ रहे हैं। दोनों ने एक ही रंग का साफा पहना है। ये तस्वीर किसी कार्यक्रम की दिख रही है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए निरहुआ ने अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई दी और लिखा, बड़े भैया अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने सपा अध्यक्ष के हाथों बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन 2022 में अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में निरहुआ ने जीत दर्ज कर सपा से अपनी हार का बदला ले लिया। उन्होंने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 8000 से ज्यादा वोटों से हराया है। सपा के गढ़ में मिली ये हार अखिलेश के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।